हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए लोगों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। उन्होंने ये पूछा मुझसे कि आप कौन सा टूल यूज़ करते हैं जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कि कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं गूगल, अगर गूगल पे और यूट्यूब पे देखा जाए तो, कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग डेस्कटॉप की कैसे करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको एक डिफॉल्ट सिर्फ टैब की करनी है, हमें सिर्फ इस विंडो की, तो कैसे करनी है, फुल डेस्कटॉप की करनी है तो कैसे करनी है। मैंने एक्चुअली बहुत और भी अदर टूल्स यूज़ करे हैं। मतलब कुछ इश्यूज भी होते हैं, कुछ सिस्टम के भी डिफॉल्ट टूल्स होते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास रहता है, और सॉफ्टवेयर भी आते हैं। बट जो मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ यार, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब बेस्ट क्या, मतलब मेरी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे इससे अच्छा नहीं मिला यार, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो को एंड तक देखना जिसमें आपको पता चल जाएगा मैं किस टूल के बारे में बात कर रहा हूँ और ये कैसे वर्क करता है। तो मैं बेसिकली बात ही कर रहा हूँ लूम टूल की। इसे loom.com पे जाके साइन अप कर सकते हो, जिससे आप इस पर अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा जो ऐसा दिखेगा। अभी देखो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है तो इसमें ये ब्लिंक हो रहा है रेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, सिंपल कुछ नहीं होता इसमें। आप यहाँ पे जब आपका एक्सटेंशन साइन अप करने के बाद आप आते हो, एक्सटेंशन यूज़ करोगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करना होता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक बॉक्स बनाया जाता है फुल डेस्कटॉप और क्या करते हैं सिर्फ ये सिंगल टैब या स्क्रीन ऐसे करके आता है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा सिंगल स्क्रीन ही एप्लीकेशन करता हूँ, क्यों, मुझे तो सिर्फ क्रोम की स्क्रीन वो करनी है रिकॉर्डिंग, तो मैं स्क्रीन ऐसे ही करता हूँ। और यहाँ पे आपका वो आता है ऑप्शन जैसे आ रहे हैं ना सारे, ये तो ऐसे करके यहाँ पे कैमरा सेटिंग, कैमरा आपको अगर मतलब विद कैम यूज़ करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, अपनी फोटो के साथ वीडियो स्क्रीनिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे कैंसिल रिकॉर्डिंग, पोज रिकॉर्डिंग और फिनिश रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो अगर आपको करनी है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद आपके पास कुछ कंटेंट आता है तो कैसे आता है। देखो जैसे मैं ही कुछ वीडियोज़ बना रहा हूँ अभी, तो मेरे पास अगर वीडियोज़ आती है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, वीडियोज़ अपलोड करने बाद मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास फाइनल कॉन्टेंट आता है और वो डिफ़ॉल्ट एक टाइटल भी यूज़ कर लेता है आपके कॉन्टेंट से जो आपने ट्रेन करा है उसमें, मतलब जो रिकॉर्ड करा है, ठीक है। जैसे ये हो गया और उसके बाद हम क्या कहते हैं, चलो मैं दूसरी क्या कहते हैं मैं बताता हूँ अभी। देखो यहाँ भी आ रही है ना अपलोडिंग, मतलब ये हो रहा है, ये वीडियो बन रही है मेरी, तो वहाँ से सीधा सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और यहाँ अपलोड होनी चालू होती रहती है। अब जैसे मैंने ये बनाया है तो यहाँ पे मैंने ये डिफॉल्ट मतलब इसने कुछ सजेस्टेड मुझे टाइटल दे दिया था, यहाँ पे मैंने सब एडिट करा है। यहाँ से तुम इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो, मतलब स्पीड अप कर सकते हो इसे, जैसे कहते हैं ना क्या कहते हैं स्लो मोशन करते हैं या स्पीड अप करते हैं, तो यहाँ पे आप स्पीड अप कर सकते हो वीडियो को। यहाँ से आप ट्रिम भी कर सकते हो वीडियो को, सेटिंग्स बना सकते हो, कस्टम थंबनेल बना सकते हो। एक तरह से लूम जो एक अपना खुद का डैशबोर्ड है, जहाँ आप वीडियो अपलोड करते हो, लोगों को शेयर करो और इन्वाइट करो कि वीडियो आपकी वॉच करे, जहाँ से आपकी वीडियोज की व्यूज बढ़ेंगे। एक तरह से पूरा यूट्यूब की तरह डैशबोर्ड कह लो, सिमिलर सा वैसी एक ये डैशबोर्ड है जो बिल्कुल ऐसे काम करता है। और सबसे बहुत अच्छी बात यही है कि आप वीडियो स्क्रीन करने के रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास आपको डैशबोर्ड देता है, जिसमें आप क्या कहते हैं डैशबोर्ड रिकॉर्ड करने के बाद डैशबोर्ड में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ आ जाती है और टाइटल आप डाल सकते हो यहीं से। इसी में डिफॉल्ट टाइटल आप एड कर सकते हो, एड कर लेना और यहाँ से आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। यार अभी तक मैक्स मैंने 20 मिनट्स की वीडियो बनाई है तो भी डाउनलोड करी है, लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, सबसे बड़ा इसमें वो है। डुप्लीकेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं फीचर्स में। पासवर्ड भी ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एक बार यूज़ जरूर करके देख सकते हो आप, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हो। जैसे लेट्स सपोज मैं तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैंने इस वजह से मैं यूज़ करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।